सो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं दिक्सल विलेज और ये दिक्सल लेक है। हम वहां से निकले स्टेशन से, भिवपुरी रोड स्टेशन से, हमने वड़ा पाव खाया, चाय पिया और उसके बाद आप वहां से किसी को भी पूछ सकते हैं दिक्सल विलेज दिक्सल लेक के लिए। तो आप यहां पे सीधा रास्ता आता है वहां से, पहले आप सीधा आएंगे वापस वहां से आपको राइट लेना होगा, राइट टर्न लेकर के आप सीधा दिक्सल विलेज की तरफ और ये जो लेक है यहाँ पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल मोमेंट है, ये नज़ारा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है और चारों तरफ माउंटेन रेंज है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ खूब हरियाली छाई हुई है और एकदम क्लाउडी मोमेंट है। इट्स सो अमेजिंग गाइस, आप यहाँ पे ज़रूर आओ और खूब इन्जॉय करो। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले भाई। ये जो हमारे बड़े भाई हैं वो जा रहे हैं ट्रैकिंग पे और हम भी इनके पीछे पीछे दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। अभी गाय थोड़ा ऊपर भी देख लो, ये माउंटेन नेवरेस्ट जैसा लग रहा है। ये है, देख रहे भाई तालाब, ये देखो पेड़ पौधे और वो पता नहीं किधर भाग गए और देखो उधर छिपे। मेरे बैक साइड में खूब ग्रीनरी है बहुत सारी और मेरा भांजा मेरे साथ में और आप देख सकते हैं कि हम इस लेक के किनारे किनारे से जा रहे हैं। मैं आपको लेक दिखाता हूँ, आप देखेंगे और देखिए आप इस तरफ लेक और हम ये रूट से पीछे से उस तरफ से घूमते घूमते आ रहे हैं। किनारे किनारे रूट घूम जाता है और आप मेरे पीछे जो बड़ी पहाड़ी देख रहे हैं यही है गारबेट पॉइंट, इसके पीछे हमको जाना है और वहाँ पे बीच में एक छोटा सा गांव है, पता है? और इस तरफ का नज़ारा देखिए अद्भुत है, अद्भुत। ये वाला रूट है इधर और ये रूट देख सकते हैं गया हुआ है, मार्किंग है, नेचुरल मार्किंग, पगडंडी बनी हुई है दोस्तों। तो अब देखिए बोले थे जन्नत में पहुंच गए आप लोग। गाइस बहुत खूबसूरत नज़ारा है, बहुत साइलेंट एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ पे। देखिए आप पीछे आपको ये हमारा यहाँ पे पीछे मेरे बड़ा सा ट्री देख सकते हैं, ये हमारा सेकंड चेक पॉइंट है और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ ये लेक के हम किनारे किनारे से आए। आपको और भी ट्रैकर्स दिख रहे होंगे, इधर जूम करके दिखाऊं, झरना दिखेगा झरने के किनारे किनारे, फिर आपको वहाँ से कटिंग पॉइंट है और ये खड़ी चढ़ाई आपको करनी है, फिर यहाँ से आपको बिल्कुल सीधे सीधे आना है और ये वाला थोड़ा ये हाई इंटेंसिटी का ये ट्रैक है, बस इतना पार्ट, इसके आगे आपको यहाँ पे आके रेस्ट मिलेगा और फिर आगे हम आगे गांव की तरफ लीड करेंगे और फिर धीरे धीरे आप देखें तो हमारा टारगेट गारबेट पॉइंट उधर जाना है। आगे का अपडेट मैं अभी आपको वापस से दूंगा दोस्तों, टिल देन बाय दोस्तों। तो गाइस यहां पे आए हम, अब ये है सागाचीवाड़ी विलेज, यहां से आपको रूट दिखेगा, ये खेतों में से होते हुए ये स्टेप्स हैं, स्टेप दिखाओ, सागाचीवाड़ी विलेज के अंदर से होते हुए दूसरी तरफ से निकल जाना है, यहाँ से आपको 2 घंटे लगेंगे। यहाँ पे मैंने विलेजर से पूछा है और उन्होंने मुझे गाइड किया, बाकी वहाँ से स्ट्रेट रूट है वो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, तीसरा पॉइंट आपका सागाचीवाड़ी विलेज है, यहाँ से आप जा सकते हैं गाइस। सो अब हम लीड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ओ व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से आ गया और आपको बताना चाहूँगा सागावाची विलेज से जब हम क्रॉस करते हैं उसके बाद आपको ये बड़ा सा पीछे माउंटेन दिखेगा और मेरे पीछे जो माउंटेन है यही है, आपको ऊपर जाना है, यही है गारबेट पॉइंट और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ
सो मैंने सोचा अब यहाँ पे रेस्ट ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं। आगे कुछ खाने के लिए राइस प्लेट वगैरह दे रहे थे वो लोग, और चाय वगैरह है पर कोई वहाँ दिखा नहीं इतना। कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेना चाहा तो मिला नहीं, सो भी तो पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। इजी रूट है गाइस। हे गाइस, हाउ आर यू? से आई एम नॉट सो गुड, आई एम सो टायर्ड राइट नाउ। और मेरा एक्चुअली बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, सो मेरे पीठ में थोड़ा सा दर्द हुआ, सो आई कम्प्लीटली जस्ट लाई डाउन हुआ हिया। मैं पूरी तरह से देखो एकदम लस्त व्यस्त हो गया हूँ। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे फिर उसके बाद यहाँ से जाएंगे। ब्यूटीफुल एंड स्मॉल रेन्स, बारिश हो रही है और सो मेनी क्लाउड्स, एंड क्लाउड्स के बीच में थोड़े से धूप भी हो रही है, गर्म भी हो रहा है। Garbet point. Now you can see the Garbet point. I will just show you the way. It's a complete view. Oh my god. Too tedious. Oh. See. Great Garbet plateau. It's a greenery. Whole greenery. बहुत सारी greenery है दोस्तों. Plate है एक. Grass का plate. आप देखो. So beautiful. और इधर बिल्कुल ये माथेरान पहाड़ियों का पूरा रेंज यहाँ, और इस तरफ डिक्सल विलेज और धूम लेक जहाँ से हम आए हैं। सो गाइस, अब हम जरा प्लेटू एक्सप्लोर करेंगे, देन आपको कुछ ग्लिम्स बाद में फिर से दिखाएंगे। टिल देन बाय बाय। एकदम अब खाना खा लेते हैं पहले अभी। What's up guys? तो finally हम लोग कहाँ पे आए? The Great Garbet Point. The Great Garbet Point flat. Hey guys, आज आनंद guys. अभी मैं पड़ा हुआ हूँ Garbet plateau पे, आप देख सकते हैं। गाइस जन्नत है ये, पूरी जन्नत, जन्नत की नगरी है। गाइस देखो इधर बूंद बूंद टपक रहा है, बारिश हो रही है और मेरे मामा लेटे हुए हैं। मेरे मामा लेटे हुए हैं पीछे ट्राइपॉड लगा के, हमारे गांव की नगरी में सोए हैं। भाई मैं थक गया, मैं पूरा थक गया, बस अभी आराम मांगता है अपने को। सो गाइस पीछे देखिए, ब्यूटीफुल, देखिए ये Garbet प्लेटू ग्रीन पट्टी, और मैं खड़ा हूँ Garbet पॉइंट पर। ये है दोस्तों Garbet पॉइंट। अगर आपको Garbet पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको वहां से होते हुए ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, सीधा सीधा रास्ता है, बहुत ही डेंजरस है दोस्तों। यहां पे बहुत संभल के आना होता है। और आप मेरे पीछे देखिए, वहां पे कुछ ग्रुप्स आ रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे महिलाएं भी हैं और काफ़ी यंग भी हैं और अंकल्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी मेहनत से यहाँ पे पहुँच रहे हैं। क्यों पहुँच रहे हैं दोस्तों? जस्ट इस प्रकृति को महसूस करने के लिए। और आज मैं यहाँ पे खड़े होकर इस प्रकृति को महसूस कर रहा हूँ। आप भी आओ दोस्तों, महसूस करो और इस जीवन का आनंद लो दोस्तों। इस जीवन को आनंदमय संगीतमय बनाओ दोस्तों। देखो यहाँ संगीत, मौन का संगीत। देखो उन बादलों को, उन बादलों को देखो दोस्तों। देखो उन बादलों को कैसे घने हैं। देखो सिल्वर पट्टी, देखो कुदरत की असीम छाप। आप देख रहे हैं दोस्तों, ब्यूटीफुल। दोस्तों अब हम जा रहे हैं
रिटर्न बैक टू होम। और अब हम दूसरे रूट से जाएंगे जिसके लिए हमें एक घंटा लगेगा। ये जंगल रूट आएगा, यहाँ से फिर हम जाएंगे दस्तूरी नाका, और दस्तूरी नाका से फिर हम गाड़ी ले लेंगे, गाड़ी से हम स्टेशन नेरल स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से हमारे घर की तरफ। सो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल वीडियोज एंड सपोर्टिंग मी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप लाइक इट एंड गिव ऑल योर लव्स एंड ब्लेसिंग्स टू मी। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।
Thank you.